हेलो जी, सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। होप सो तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे ते मैं भी ठीक ठाक हाँ। ते स्वागत है तुहाडा नवें ब्लॉग च ते मेरे चैनल ते। ते होर दसो जी, सारे ठीक ठाक हो? ते अज जी विसाखी, जदों तुहानूं इह ब्लॉग मिलेगा उस दिन विसाखी होगी ते 14 तरीक होगी। ते सारिआं नूं मेरे वल्लों सारिआं नूं विसाखी दीआं लख लख वधाईआं। ते सारी मेरी यूट्यूब फैमिली नूं ते मेरी फैमिली वालों बहुत बहुत बधाइयां। ते वधिया तरीके नाल अपनी विसाखी मनाओ, गुरु घर जाओ ते पाठ करो ते बाबा जी थोड़ी हर इच्छा पूरी करे। ते मैं भी थोड़े नाल शेयर करूँगी कि विसाखी वाले दिन आपां ने की कीता। ते असी वो ब्लॉग थानू विसाखी तो नैक्सट डे मिलेगा। ते मैं दोपहर हो गई है, काम कुम कर ले ते हुण मैं बनाउण लगी सीगी अपना लंच। अज मैं थोड़ा लेट लगी हैं क्योंकि गुरदास आता है 2:15 बजे, उदों तक बनाऊंगी कढ़ी चावल। मैं कढ़ी बनाने लगी सी, कढ़ी चावल बनाऊंगी तो वह भी आके गर्म गर्म खा लूँगा। तो मैं क्या चलो पहला ब्लॉग स्टार्ट कर लिए। तो चलो जी फिर करो ब्लॉग इंजॉय। तो उतो पहला थानू रिक्वेस्ट है, अगर तुम चैनल में सबसक्राइब नहीं कर तो सबसक्राइब जरूर कर लो ते बैल आइकन प्रेस कर लो जरूर ताकि मेरी सारिया वीडियोज़ की नोटिफिकेशन थानू मिल सके। तो करते हैं जी फिर ब्लॉग स्टार्ट। तो अज मैं थोड़ा एक होर गल दसूँगी, पहला आप कढ़ी तड़का लगा दिए फिर उन्होंने बनने भी टाइम लगना ते उसके बाद फिर गलबात करते हैं। कढ़ी की वैसे रेसिपी मैं पाई हुई है चैनल पर, तुम जा के देख सकते हो, चैक कर सकते हो। तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन च। मम्मी वधिया कढ़ी बनाते होंगे, मेरे तो इन्नी ज़्यादा वधिया नहीं बनती। मम्मी तो पकौड़े पकूड़े पा के बनाते होंगे। तो मैं ये प्याज कट ले, लसन है, अदरक ते मिर्च मैरिज में कर ली। तुम कह रहे हैं मैं इनू चिल्ली मटर कहनी है। तो ये थोड़े जे आलू मटर पाऊंगी बिच, सिंपल जोड़े सब्जी वाले पकौड़े होंगे मैं वो भी पाऊंगी। तो एक लाल सुकिया मिर्चा भी मैं पाँदी होंगी, ये फ्लेवर बहुत वधिया आता है। तो टमाटर नहीं मैं पाऊंगी क्योंकि जी लस्सी पहले खट्टी सी, फिर ज़्यादा खट्टी हो जूगी। तो मैं ये बेसन घोल के रख लिया। तो इधर मिथे पे हैं तो बस हूँ तड़का लगा दिए फटाफट। कढ़ी में तड़का लगाता मैं, हूँ लाइट चले गई ता ही नहीं नेरा हो गया, साढ़े रोज़ लाइट जाती है। तो हूँ बन जूगी बस जल्दी। तो इधर मैं हरा धनिया कट के रखता अपनी क्यारियों से लग्या होया है, मम्मी लेके आए थे सुबह धो धो के। तो इधर चावल डिप करके रखते। तो हूँ मैं पानी लेके चली हूँ बाहर, रसोईयां च हूँ गर्मी होने लग गई। अजे तो शुरू होया काम, अगे अगे बहुत बुरे हाल होए करने इस किचन च। तो हूँ लगी मैं पानी पीण क्योंकि काफ़ी गर्मी हो गई रसोई च, जो काम करते हैं तो गर्मी लगती है। तो अगे अगे जो जून जुलाई आना तो ज़्यादा बुरे हाल होने। तो मैं हेयर वॉश किए थे, तो मैं हूँ रोज़ ही वॉश करे करने, तुम देख ही सकते हो क्योंकि गर्मी हो गई, सिर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हूँ बस काम अपने हो गए दोपहर के, तो मतलब शाम के भी हो गए। फिर शाम को मैं अलग तो सब्जी नहीं बनाती, ये सर जाता है। बस शाम को मैं हूँ कढ़ी नाल फुलके ला लूँगी, हूँ राइस बना लेने। तो हूँ शाम तक का अपना काम फ्री है। तो मैं वो गुरदास के आने बाद फिर सौंदी होंगी है। वो आने तो पहले मैं सौंदी नहीं क्योंकि पता नहीं मैं नींद नहीं आती, जदों तक वो आता नहीं है। जो नींद आ भी जाए तो एवं अख खुल जाती, बिच टेंशन जी रही, एवं लगी जाता मैं कि टाइम हो गया टाइम हो गया। वैसे मैं अलार्म ला के सौंदी होंगी है पर फिर भी एवं नींद नहीं आती जदों तक वो आता नहीं। फिर मैं हूँ सौंदी नहीं हैगी, जो उन्हें आना उन्होंने खाना खुना खिला के फिर उस बाद मैं सौना। तो फिर 4 बजे तक अपना मैं रेस्ट करती हूँ, उसके बाद अपने फिर शाम की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो हूँ वो आने तक बस मैं थोड़ी जी देर फ्री हाँ, तो ब्लॉग एडिट करूँगी। तो थोड़ी देर टीवी तो हूँ देख नहीं आना क्योंकि लाइट चली गई, लाइट आऊगी हूँ 5 बजे जो 6 बजे शाम को, एवं 12 बजे चली जाती है, 5 तो 6 बजे आती है। तो सारा दोपहर एवं निकलना हूँ, पर अजे पखिया ना सर जाता, अगे अगे बहुत औखा होना गर्मी से जो एसी नहीं चलिया करना, एसी बिना फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं हूँ अपने चैनल का नेम चेंज करने सोच रही हूँ कि
चेंज कर देवां, क्योंकि जदों मैं चैनल बनाया सी मैनूं इन्नी ज़्यादा नॉलेज है नहीं सी, ते एवें कुछ भी रखता मैं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम जस की किचन बार है, उहदे च थोड़ा हिंदी टच आउंदा है, क्योंकि भी चैनल मैं हिंदी च स्टार्ट कीता सीगा, पहले रैसपी वीडियो पाउंदी सीगी ते हिंदी टच आउंदा। वैसे कोई बुराई नहीं है हिंदी च भी, एवें दी कोई गल नहीं। तो मैं क्या जदों हुण मैं ब्लॉग च पंजाबी बोलदी हां तां फिर अपना चैनल का नाम भी थोड़ा पंजाबी टच वाला होना चाहिए है। तो एक दो दिन मैं चेंज कर दूंगी, मैं कोई वधिया जिहा नाम सोच रही हाँ। वैसे तो मैं सोचा हुआ कि जस ब्लॉग्स रखूँगी, तो ये भी वधिया है। तो किचन दे ब्लॉग वीडियोज़ तो आउंदियां ही रहनियां, रैसपी पाउंदी रहूँगी, पर हुण गर्मी च थोड़ियां घट रैसपी बनूंगियां, क्योंकि बहुत ज़्यादा किचन च गर्मी हो जाती है, फिर अपना खाना ही मसा बनता, कुछ एक्सट्रा तो मुश्किल है बनाउणा। तो मैं हुण जल्दी बस चैनल का नेम चेंज कर देना। तो अज मैं थोड़े नाल एक रेमडी भी शेयर करूँगी फेस लई, क्योंकि मेरा फेस भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया, पिंपल्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा निशान पै गए, इत्थे 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 बहुत निशान है, तो उहदे लई एक रेमडी शेयर करूँगी मैं थोड़े नाल, होप सो तुहानू वधिया लगेगी। तो फिर हुण मैं अजे पखा नहीं लगाया हुआ, पर मैनूं गर्मी लग रही, क्योंकि फिर पखा लाउंदी हां तां फिर वीडियो विच आवाज़ क्लीयर नहीं आउंदी, पखे की आवाज़ आई जांदी है, तां थोड़ी गर्मी जी लग रही है मैनूं। ते हेयर वॉश कीते सीगे मैं, ये तो कोई नवी गल है नहीं, क्योंकि हुण गर्मियों मैं डेली मतलब हेयर वॉश करने पैंदे मैनूं, क्योंकि मेरे सिर च बहुत ज़्यादा पसीना आउंदा, फिर बालों च स्मैल आउण लग जांदी, ते हैडेक हुंदा फिर मैनूं बहुत ज़्यादा। एक दिन छड़दे करूँगी, ज़्यादा नहीं, एक दिन बस, तो ज़्यादा नहीं कि ऐ नहीं भी हफ्ते च दो बार, तो कई बार डेली भी हेयर वॉश करने पैंदे मैनूं, कि जदों तो मेरी सर्जरी हुई उदों तो मैं सिर च बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, तो हैडेक बहुत हुंदा फिर गर्मिया गर्मिया। तो अज भी मैं हेयर वॉश किए सीगे, तो लंबे हो ही जा रहे हैं मैनू, तो मैं तो चाहती कि लंबे हो गए ना, तो आप जो मैं ऑयलिंग करती फिर हो ही जाते लंबे, तो अगर ऑयलिंग नहीं करूँगे फिर रफ हो जाते, वह भी चंगे नहीं लगते, झाड़ू वर्गे बाल समूथ सिल्की लोंग हेयर वधिया लगते हैं। तो चलो जी फिर हुण गल्लां बातां हो गईयां, ते हुण जल्दी चैनल दा नेम चेंज कर देना मैं, ते होप सो तुहानूं वधिया लगेगा नवां नेम भी। ते चलो देखदे आं हुण अगे की करना। ये रेमडी बनाउण लई सब तो पहला आपां नूं चाहीदी है हल्दी, ये हल्दी मतलब घर दी भी हो सकदी है, ते तुसीं मार्केट वाली भी ले सकदे हो, अगर तुसीं घर वाली हल्दी लोगे तो ज़्यादा बेनीफिट हुंदे उहदे, तुहानूं पता ही है। तो हुण आपां अगे प्रोसैस स्टार्ट करते हैं, अज मैं इंडक्शन ते काम करूँगी, एक तवा लै लैना तुसीं, ते तवे नूं हल्का जिहा गर्म कर लेना। जदों अपना तवा गर्म हो जाए तो सब तो पहला तुसीं इहदे ते हल्दी पा देनी है, हल्दी तुसीं अपने अकॉर्डिंग पा सकते हो, जिन्नी भी तुसीं ये मतलब पाउडर बना के रखना चाहते हो, इनू तुसीं स्टोर भी कर सकते हो एक तो दो महीने लई एयर टाइट कंटेनर च, ते गैस दी फ्लेम रखनी तुसीं बिल्कुल लो। अगर तुसीं इंडक्शन ते काम कर रहे हो तो 400 कर लेनी तुसीं, ते मैनू चलाउंदे रहना है, हल्का हल्का चलाई जाना ताकि हल्दी अपनी जले ना, जालनी नहीं, अपन ने इहदा कलर चेंज करना है। अगर यह इहदा बेनीफिट तां मतलब जालदे इहनूं तां हुंदे आ, अगर आपां एवें ही येलो हल्दी लाऊंगे तो अपना फेस पूरा येलो येलो हो जाता है, तो फिर उहदा कोई असर नहीं रहिंदा, एवें जाल लैणी तुसीं, तो बहुत ही वधिया रेमडी होंदी, थोड़े फेस ते ग्लो आउंदा है, दाग धब्बे जिन्नियां भी छाइयां पईयां हुंदियां है वह सारियां इहदे नाल खत्म हो जांदियां है। तो जदों मेरा फेस खराब हुंदा फिर मैं ये रेमडी यूज़ करदी हुंदी, हुण मेरा फेस खराब हो चुक्या बिल्कुल, पिंपल्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मियों प्रॉब्लम्स होंदियां रहिंदियां फेस लई एवें दियां। तो हल्का हल्का तुसीं चलाउंदे रहना, इहनूं छड्डना नहीं, इहदे विच्चों धुआं निकलूगा तो तुसीं डरना नहीं कि यह जलगी। अगर तुसीं गैस की फ्लेम हाई कर दूंगे तो फिर इन्हें जल जाना, तुसीं यह काम नहीं करना। तो देखो ये अपनी हल्दी होगी भुन के तैयार,
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਰ ਬਲੈਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੈਲੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਦਿਉ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਲਦੀ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਤੇ, ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਯੂਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਢੱਕਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਚਾਰਕੋਲ ਫੇਸ ਪੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਫੇਸ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਫੇਸ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੈਸਪੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੈਸਪੀ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ 2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਬਸ 2:05 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਸ਼ਮ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਵੈਨ ਤੋਂ ਉਤਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਡੋਗੀ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ।